सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों आज मैं दही बड़ा बताने जा रही हूँ, आइए देखिए इसमें क्या क्या सामान लगता है। दोस्तों इसमें डालने के लिए कटा हुआ प्याज, धनिया और ये है अदरक, हरा मिर्च, ये जीरा, हल्दी, नमक, ये सब उसमें डालेंगे। दोस्तों इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और ये धनिया डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, ये अदरक डाल देंगे, ये हरा मिर्च देखिए डाल देना है और इसमें हल्दी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों हम सबको अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब हम कढ़ाई गरम कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा तेल गरम हो गया है। देखिए दोस्तों हम लेंगे इसको बीच में उंगली से ऐसे गड्ढा कर देंगे ताकि इसमें तेल अच्छे से घुस के सब पका जाए। तेल में डालेंगे दोस्तों, हमारा उड़द का पकौड़ा एकदम लाल हो जाएगा तभी हम निकाल लेंगे। दोस्तों हमारा बन के तैयार हो गया, अब इसको निकाल लेंगे, तेल अच्छी तरह से गल जाने के लिए। इसी तरह दोस्तों हम सभी को इसी तरह तल लेंगे। दोस्तों हम इसको भी निकाल लेंगे। तो हम सभी को इसी तरह से छान लेंगे। दोस्तों हम इसको अब उसको सूखा पकौड़े सुखाएंगे, इसको हम दही में डाल देंगे। दही में डालने से पहले इसको हम गर्म पानी में डालेंगे, तो यहाँ पानी पहले से ही देखिए। दोस्तों दही में डालने से पहले हम थोड़ा सा गर्म पानी में इसको डाल देंगे ताकि तब से ये फूला रह जाएंगे। दोस्तों बाकी को सब इसी में दोस्तों ये मसाला हम तैयार किए दही में डालने के लिए, जीरा, धनिया, काली मिर्च को पीस लिए हैं और हम इसको दही में डालेंगे। दोस्तों हम 1 किलो ये दही लिए हैं, गाढ़ा है पेस्ट इसको बना लिए हैं दही का, उसमें हम ये डालेंगे। दोस्तों इसमें हम नमक भी डाल लेंगे। दोस्तों हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों ये दही मेरा अच्छी तरह से मसाला इसमें मिला लिया, अब इसमें हम दोस्तों इसमें हम उड़द के पकौड़े को डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से डाल लेंगे। दोस्तों बस अच्छी तरह से धीरे धीरे चला लेंगे।
तो हम ये दही बड़ा बना लिए, अब हम इमली का चटनी बनाने जा रहे हैं। तो हम इमली आधा घंटा के लिए फूलने के लिए डाल दिए थे, देखिए मेरा इमली फूल गया। अब इसको अच्छे से हम गुदा निकाल लेंगे। दोस्तों अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर, बीज और ये सब खुजा उजा सब निकाल लेंगे इसमें। देखिए दोस्तों हम इमली का पानी तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको कढ़ाई में छौंकेंगे। देखिए यह है जीरा, तेज पत्ता और ये लाल मिर्चा। दोस्तों हम फोरन को थोड़ा जल जाने देंगे, जब फोरन लाल हो गया अब इसमें हम इमली का पानी। दोस्तों हम इमली के पानी के हिसाब से गुड़ डाल देंगे, रसोन डाल देंगे। दोस्तों देखिए मेरा चटनी बनके रेडी हो गया, मीठी चटनी। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डाले हैं ऊपर से, थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए। दोस्तों हमारा देखिए ये दही बड़ा और ये सूखा बड़ा है, इमली की चटनी है। दोस्तों आप इसको घर पे बना के खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपका हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।